जयगांव के साहू भवन में जयगांव छठ पूजा कमेटी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस साल छठ पूजा का किस तरह से सफल पूर्वक आयोजन किया जाए इसको लेकर चर्चा किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा छठ पूजा के उपलक्ष्य पर छुट्टी की घोषणा एवं प्रशासनिक तौर पर सहायता के लिए जयगांव छठ पूजा कमेटी ने धन्यवाद व्यक्त किए। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में कालचीनी ब्लॉक तृणमूल सभापति पासिंग लामा पधारे थे, जिन्होंने मीटिंग समाप्ति के पश्चात कुर्सा नदी किनारे छठ पूजा घाट का जायजा लिया एवं हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। सभी धर्मों का एकदम हम लोग वेलकम, लेकिन बहुत बदमाशी ना देखिए, सभी जात सभी धर्मों में एक दो बदमाश को रखते हैं, याद रखिए, ठीक है। और नदी में देखिए, नदी का बहाव भी बहुत तेज है, छठ पूजा गर्नु छ भने तपाईँको छुट्टी नहुनाले गर्दा उनीहरूलाई असुविधा हुन्थ्यो, नानीहरूलाई स्कुल जाने हेर्थ्यो, नाना किसिम सरकारी काम गर्ने उनीहरूलाई असुविधा हुन्थ्यो। तर आज दिदीले हाम्रो जनभावनालाई, हिन्दी समाजको जनभावनालाई सम्झेर सनातन धर्मी प्रेमी, हाम्रो दिदी पनि सनातन प्रेमी हो, उहाँ पनि ब्राह्मणी हो, र हुनाले उहाँले हिन्दी छठ हिन्दी भाषीको जनभावनालाई कदर गरेर उहाँले दुई दिनको राज्य अवकाश प्रदान गरे। साथमा जो यहाँको रख रखाउको लागि दिदीले प्रत्येकलाई डिएमलाई उच्च अधिकारहरूलाई निर्देश दिए, हामी जज एज ए लिडरहरूलाई पनि निर्देश दिएको छ। र त्यसै विषयमा म यहाँ आउँदा चाहिँ मैले यहाँ देखेँ हाम्रो यो इन्डो भुटान जो भुटानसँग सटेको छ, र यहाँनिर आएर मैले यहाँ आएर देखेँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको हिन्दी भाषी जो छठ प्रेमी यहाँनिर छठ व्रतधारीहरूले चाहिँ उसको मनमा एउटा किन्तु प्रान्त थियो कि सायद यहाँनिर कुनै सरकारी हस्तक्षेप हुन्छ कि डर, एउटा डरको भावना थियो। र म यहाँ आएर उहाँलाई वक्तव्य राख्दा भोलि त उनीहरूको मनमा अहिले मनमा किन्तु प्रान्त चाहिँ एउटा हटेर गयो र उहाँहरू खुसी भएको छ। यहाँनिर हाम्रो जिपी2को प्रधान म्याडम छुङ्कु लामा प्रेजिडेन्ट छ, अनि हाम्रो यहाँको हिन्दी प्रकोष्ठका प्रेसिडेन्ट भजनलाल सोरोगेज्यू, हाम्रो वरिष्ठ अभिभावक हाम्रो बालचन्द भैयाज्यू, माल्ती बाक्ला, हाम्रो जिपी1को प्रेसिडेन्ट सुभाष लामाज्यू, अनि महेन्द्र छेत्री, हाम्रो यहाँको लिडरहरू रजब अलीदेखि रिना शाह, रमेश सरजी, हाम्रो इन्दु सिंह रोय, सङ्गीता राठौर, हामी सबै यहाँ प्रेजेन्ट भएर हामीले यहाँ देखेर हामीले यहाँलाई भनिदिएको छौँ, हामीले यहाँ घोषणा गरिदिएको छौँ, तपाईँले काम गर्नुहोस्, निश्चिन्त भावी काम गर्नुहोस्। उनीहरूको मनमा एउटा विचार छ, काम गरेपछि कसले फन्ड दिने, र फन्ड मुहैया काम गर्ने हाम्रो हो, फन्ड मुहैया काम गर्ने पश्चिम बङ्गाल सरकारको, र उहाँलाई फन्डको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ भन्ने उहाँलाई दियो। अनि यहाँको जति पनि हिन्दीभाषीले आज भन्नु थाल्यो कि उनीहरूको मनमा एउटा किन्तु प्रान्त थियो अरे, हमेसा भन्थ्यो अरे दिदीले हामीलाई हेर्दैन, तर आज उनीहरूले भने दाजु हाम्रोबाट भुल भएको रहेछ भनेर उहाँहरूले एकपल्ट दिदीको लागि प्रार्थना पनि गर्नुभयो। उहाँहरूले दिदीलाई धेरै धन्यवाद टक्राउनु भयो। म यहाँको धन्यवाद ज्ञापन पत्र दिदीमा पुर्याउने चेष्टा गर्छु, र यहाँको जनभावनालाई म श्रद्धा गर्दै यहाँको प्रत्येक छठ पूजाको जो कमिटी छ, प्लस हिन्दी भाषी प्लस सबै समस्त हिन्दी भाषीहरूलाई पनि धन्यवाद वेलकम। जति पनि जात जति पनि धर्महरू छ उहाँलाई हामी अभिनन्दन टक्राउँदैछु, उहाँलाई भन्छु यसरी नै हामी दिदीलाई हमेसा उहाँहरूको जुनै पनि समस्या हामी पुऱ्याउने चेष्टा गर्छौँ। र स्पेसली आज छठ प्रेमीहरू यति खुसी भएको देखेर मलाई लाग्यो सायद यो अझै 6 महिना अगाडि भएको पिछाडि हाल्दा थियो। धन्यवाद। भैया इस साल देखा जा रहा है कि घाट का अवस्था काफी खराब देखा जा रहा है, नदी का मुख एकदम घाट के तरफ चला है, तो किस तरह से आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं इस साल का?
इस साल हम लोग तो इस घाट पे पूजा करने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम लोग बी बाड़ी की ओर प्रस्थान कर रहे थे क्योंकि घाट का कंडीशन ऐसा है ना, तो कि नदी का तेज बहाव का समस्या प्लस पार्किंग की समस्या थी, प्लस हर जगह गड्ढा गड्ढा है। ये देख कर हमारा मन टूट चुका था। हम सोचे कि बी बाड़ी की ओर चलते हैं। वहाँ का भी घाट का सर्वे हुआ, वहाँ सर्वे वर्वे करके आया गया। तो बाद में हम लोग हमारे एडवाइजरी के बालचंद बाबू, राजेंद्र बाबू, देवनाथ जी, सभी आर एस गुप्ता जी, सभी रमेश भैया जी को, सभी को लेके हम लोग उधर गए बी बाड़ी। लेकिन उसी दिन शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया सभी जिला पदाधिकारियों को कि सब घाट का मरम्मत चाहे कोई भी हो काम वो जिला पदाधिकारी करके देंगे, और प्लस दो दिन का छुट्टी का भी घोषणा की दीदी, जिसके लिए हम लोग सब में खुशी का माहौल है। और हम सभी छठ पूजा कमेटी उसके लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर बैठ के डिसीजन लिए कि चलो हम लोग बैठ के अपने समस्या को मिलकर सुलझाते हैं, उजागर करते हैं। तो उसके बाद हमारे समस्या को हिंदी प्रकोष्ठ के कालचिनी ब्लॉक के प्रेसिडेंट भजन सरोगी जी वो भी लिए संज्ञान में। फिर उन्होंने पासंग लामा से बात किया और आज पासंग लामा जी आए और हमारे घाट पे भी आए, हमसे मिले और सभी समस्या का निदान करने के लिए आश्वासन दिया और बोला जितना भी घाट का काम होगा GP2 पंचायत के थ्रू होगा और कुछ एक कालचिनी ब्लॉक के थ्रू भी होगा। इससे हमें बहुत ही खुशी है। हम पासंग लामा को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस बीच आकर के हमें आश्वासन दिया कि हम सभी कार्य करके देंगे और आप लोग सब मिलकर छठ पूजा मनाइए। सर, देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही एक काफी दुखद घटना प्रकाश में आया था, दो बच्चियों का नदी में बह जाने का। तो और नदी में काफी बहाव में धार भी है, काफी गति है। इस विषय में आप लोग किस तरह से घाट मेंटेन कर रहे हैं, क्या कोई आर्टिफिशियल आप लोग घाट बना रहे हैं या इसी नदी में किस तरह से आप लोग करने के लिए तो प्लान किए? घटना थी जो बच्ची लोग गई उसके लिए हम लोग खेत पकड़ करते हैं, लेकिन हम लोग आशा करते हैं 10 दिन में काफी पानी का तेज जो बहाव है वो कम हो जाएगा और हम लोग भी कोशिश करेंगे मशीन जो मिलेगा हम लोग को उससे पानी का बहाव को उस तरफ मोड़ने के लिए, यहाँ थोड़ा पानी का बहाव कम करने के लिए, ताकि किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि छठ पूजा में महिलाएं बेसी आती हैं, बच्चे बेसी आते हैं, वो सबका ध्यान रखा जाएगा। और हमें आशा है कि वीडियो की तरफ से भी हमें सहयोग मिलेगा, आपका जो गोताखोर सब होते हैं वो सब आएंगे और अपना थोड़ा ध्यान देंगे सब चीज़ पे, क्योंकि सभी को समस्या का पता है और हम जाके बताएंगे उनको ये समस्या है। तो आशा करते हैं वीडियो साहब भी कुछ कदम उठाएंगे इस विषय में। सर, आपका नाम और परिचय? हम दुर्गा प्रसाद जसवाल कमेटी प्रेसिडेंट, छठ पूजा कमेटी के सचिव, और ये हो गए हमारे चेयरमैन श्री कृष्णा गुप्ता जी और ये सेक्रेटरी हमारे कृष्णा राकेश जसवाल जी। अब पाए बड़ी पेट्रोल और डीजल के कीमतों से छुटकारा, साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति। ना रजिस्ट्रेशन, ना लाइसेंस की जरूरत, अब चलाए टेंशन फ्री। आपके शहर जयगांव में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम VM मोटर्स, जॉय ई बाइक के अथोराइज्ड डीलर। संपर्क करें VM मोटर्स, NS रोड ऑपोजिट वेद व्यास स्कूल जयगांव। कॉल 9733482216, 9933533659।